फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी बहुत अच्छा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी डुसका जो कि झारखंड का स्ट्रीट फूड है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और बहुत ही अच्छा ये नाश्ता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग बीच में नहीं आ रहा था, अब कोशिश करूंगी कि मैं अपना डेली एक ब्लॉग डालूँ, क्योंकि कुछ हेल्थ इशू हो गए थे इसलिए मैं नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि रोज़ ही मेरा एक वीडियो हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। और बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और ये झारखंड का बहुत ही फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है एक कप चावल और लिया है आधा कप चने की दाल और एक चौथाई कप उड़द। इसको इन तीनों को हमने अच्छे से धो लिया है। इन तीनों को हमने रात भर पानी में सोख करके रख दिया था। आप चाहे तो चार घंटे, अगर जल्दी बनाना हो तो चार घंटे भी रख सकते हैं। और इन तीनों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम पहले चावल को पीस लेंगे अच्छे से। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, इडली बनाने वाले या खीर बनाने वाले, जो भी रेगुलर चावल है आप उसको ले सकते हैं। और इसमें हम आधा कप के करीब में पानी डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमें ये लिक्विडी नहीं करना है। छोटे कप से आधे कप हमने पानी लिया है, करीब चार चम्मच के करीब में हमने पानी लिया है। और इसको हम पीस लेंगे, इसे हम बिल्कुल स्मूथ पीस लेंगे। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इस तरह से हमने चावल को पीस लिया। अब इसी जार में हम देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी। अब हम इसी जार में चने की दाल और उड़द को भी पीस लेंगे। तो सारे चने की दाल इसमें हम डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम उड़द भिगोया, इसको भी डाल दें, उड़द की दाल भी हम डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे चार हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम पीस लेंगे इसमें डालकर, इसका भी हम एक दो चम्मच के करीब पानी डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो इसे हम पीस लेंगे। अब इसमें हम मिला देंगे चावल में, इसको मिला देंगे अच्छे से, मिक्स कर देंगे दोनों को। ये बर्तन छोटा पड़ रहा है, दूसरे बर्तन हमने ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वो बर्तन पॉट जो था वो छोटा था। तो देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे, जिसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे इसमें। कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे और कुछ फ्रेश धनिया पत्ती डाल देंगे इसमें। और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तेल हमारा गरम हो रहा है, तब तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको हम तलते हैं। तलने के लिए तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। पहले थोड़ा सा हम डालकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये तैर कर ऊपर आ गया, यानी कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। क्योंकि तेल अगर कम गर्म रहेगा तो तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। उसके बाद इसको हम अच्छे से तलेंगे। देखिए किस तरह से ये फूली फूली बन रही है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से हम डुसका को हम तल लेंगे। ये कितनी फूली फूली बन रही है। आप चाहे तो इसे एक एक करके, अगर परेशानी हो रही तलने में तो एक एक करके ही तले,
क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कच्चा रहेगा तो एक दूसरे में चिपक जाता है ये। इसे हम एक एक करके भी तल सकते हैं, और जब तक ये नीचे से थोड़ा सा पक ना जाए, इसे पलटना नहीं है। देखिए इस तरह से हम सारा ढोसका बना लेंगे, कितनी फूली फूली बन रही है। अब जब भी खाना हो इसे, इस बैटर को बना के रख दें फ्रिज में भी, और जब भी बनाना हो तो फटाफट से आप इसे तल लें, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपको सुबह बनाना है, लंच में देना है, तो आप रात में ही बैटर को तैयार करके रख लें। तो देखिए ये हमारा बन गया है ढोसका, और बहुत ही अच्छा बना है। आप इसे आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ, आलू चने की सब्ज़ी के साथ, चटनी के साथ, अपनी पसंद की सब्ज़ी के साथ आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए बनके रेडी है, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए बनके रेडी है, तो चलिए अब हम खाना खाते हैं, और आप लोग भी इस वीडियो को एंजॉय करें और इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत पसंद आया होगा ये रेसिपी। मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ये सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। इस तरह से देखिए इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, ना बेकिंग सोडा, ना मीठा सोडा, कुछ भी नहीं डाला, फिर भी बहुत ही ये स्पॉन्जी बना है। ढोसका बन के रेडी है, चलिए इसे अब खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, और फिर मिलते हैं। इस तरह से आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत बनाना ईजी है। चलिए पहले खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स खाना हमारा हो चुका है, थोड़ा सा किचन मैसी हो गया तो मैं उसे क्लीन करती हूँ। तो हमने अभी क्लीन कर लिया, थोड़ा बहुत अरेंज करना था किचन को। खाना बनाने के बाद किचन तो मैसी हो ही जाता है, तो उसे मैं क्लीन कर ले रही हूँ, और बहुत टेस्टी बना था। आप जरूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा, मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आया, उस बहुत मन से खाया, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसे आप लंच में भी इजी वे में बना के दे सकते हैं। तो हमारा किचन का भी क्लीनिंग हो गया, चलिए अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर आप लोगों से मिलेंगे। हमने खाना खाकर पानी अच्छे से नहीं पिया था, तो अभी मैं पानी भी पीऊँगी, क्योंकि खाना खा के तुरंत पानी पीना ठीक नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ी देर के बाद पानी पीऊँगी। तो हमने खाना खा लिया, बेटा मेरा अभी खा रहा है, उसको बहुत पसंद आया है। उसको बहुत टेस्टी लगा है, उसको बहुत पसंद भी है। बहुत दिनों से बोल भी रहा था कि मम्मी ढोसका बनाओ ढोसका बनाओ, तो आज ये बहुत खुश है और खुशी खुशी खा भी रहा है। तो चलिए अब रेस्ट करते हैं एक घंटे। तो फ्रेंड्स शाम का समय है, तभी हमारे घर में पैटिस और पेस्ट्री आया हुआ है, तो माँ बेटे हम इंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। चलिए हमारा चाय भी हो जाएगा और हमारा शाम का नाश्ता भी हो गया। मेरा तो खाना ही हो गया, मैं तो रात में खाना भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि है भी नाश्ता हो गया। तो मैं आ गई हूँ, अब चलते हैं पौधों को पानी देने। बहुत तेज धूप निकल रही है, पौधों को पानी देना, पौधे बहुत जल्द सूख जाते हैं, धूप हो रही है। चलिए पौधों में पानी डालते हैं। तो पौधों को मैं पानी दे दूँ, ये देखिए कितना अच्छा एक फूल खिला है, और सारे गमले हमारे सूख चुके हैं, बहुत इसमें घास वगैरह भी उग गया है, इसे हमें क्लीन करना है। एक दो पौधे बचे हुए हैं, गर्मियों में सारे पौधे सूख गए हैं, इन्हें एक दिन किसी दिन मैं क्लीन करूंगी और नए पौधे लाकर लगाऊंगी, क्योंकि गर्मियों में सारे पौधे तो पहले ही सूख गए हैं, एक दो बचे हुए हैं, लेकिन मैं सारे गमले को पानी दे देती हूँ।
ताकि मिट्टी गीला रहे। और देखिए जब भी मैं पानी देती हूँ तो ये गमले का पानी पीने आ जाता है, इसको इसी में का पानी पीना होता है। जैसे पौधों में तुलसी जी वगैरह सब सूख जाती हैं, जो कि हम मैं एक दिन बीच करके पानी देती हूँ। अब डेली पानी देना पड़ेगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। एक दो फूल बचे हुए हैं जिन्हें मैं पानी दे रही हूँ, और सारे गमलों में मैं किसी दिन पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू एंड बाय बाय।